हमारे गाइड के पास अभी अभी फोन आया है कि यहाँ पे एक नजदीकी रंजीतपुर कस्बा है 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे 2 तेंदुए दिखे हैं। ऑडियो जंगल। एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आए हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे कुंड बना हुआ है और ये सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड आदि बद्री, जो कि है हमारे यमुनानगर में हरियाणा के अंदर। और अगर हम अंदर की बात करें तो यहाँ पे ये गाय का मुख बना है जिससे पानी रिसता रहता है हमेशा। और ये कुछ इस तरह की लोकेशन है भाई, 3 साइड से ये चट्टानों से घिरी हुई है। वहाँ से पानी इस कुंड तक आता है और ये फिर नीचे जो तालाब बना हुआ है तो नीचे चला जाता है। तो यहाँ से आदि बद्री नारायण मंदिर है 1 किलोमीटर, केदारनाथ शिव मंदिर 1 किलोमीटर और माता मंत्रा देवी मंदिर वो है 3 किलोमीटर। तो भाई ये है वो तालाब जहाँ से ऊपर से आके पानी इकट्ठा होता है, अभी हम नीचे जाके आपको दिखाएंगे। तो भाई ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ वैली का, और ये रोड। और भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और आप ट्रैक कर रहे हैं मंत्रा देवी का, तो भाई ये एक ही शॉप है, तो यहाँ से जितना भी पानी या खाने पीने का सामान लेके अगर जाना है तो आप यहीं से लेके जा सकते हैं, इसके बाद कोई दुकान नहीं है ऊपर। तो भाई यहाँ पे बंदर बहुत हैं, ये देखो कैसे छलांग लगा रहे हैं। तो भाई मंत्रा देवी जो वहाँ से 3 किलोमीटर थी, तो हमने उनका ट्रैक स्टार्ट कर दिया। जो बाइक आती है वो आदि बद्री मंदिर तक ही आती है, उसके बाद आपको ट्रैक करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। और भाई ट्रैक कुछ इस तरह का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे तो ये सीमेंटेड ट्रैक है बट इस पे मिट्टी जम चुकी है और कुछ इस तरह से स्लोप है। और भाई मंदिर के रास्ते में बहुत ज़्यादा बंदर हैं और ये आस्तिक जी अपने जूते के तस्मे कसते हुए, क्योंकि अब जो ट्रैक स्टार्ट होने वाला है भाई वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। अभी हम नदी के बीच से जा रहे हैं, फिलहाल तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं है बट बारिश के दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है। और अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ था, आस्तिक ने पूरी पानी की बोतल ख़त्म कर दिया और हमारे पास जस्ट एक यही बोतल है। देखते हैं भाई वापसी तक क्या माहौल रहता है। तो कुछ इस तरह से पत्थरों को लांघते हुए, और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं अगर आप पानी में देख पा रहे होंगे। तो ये हमें यहाँ पे लोकल गाइड मिले हैं, तो ये हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। लिटरली भाई रास्ता तो है ही नहीं, पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ रहा है। और भाई बारिश के टाइम तो यहाँ से पानी ही आता होगा। तो भाई जो हमारे गाइड हैं वो थोड़ा फुर्ती से आगे चले गए हैं बट हम गाइड को तेंदुआ लेके उठा गए। ये तो आस्तिक जी मजाक कर रहे हैं। ये भाई लंबा रास्ता ये है, इधर से शॉर्टकट से लेके जा रहे हैं गाइड जी हमें। गाइड भाई थोड़ा ना शॉर्टकट कम लो, क्योंकि हमें पहुंचना है और वो भी जिंदा। सांस फूल गया भाई। बंदे इन रास्तों पर भी बाइक लेके आ रहे हैं। अब पहले अपने पूरे हरियाणवी स्टाइल में साफा सूफा पहन का सान तो चढ़ रहा है भाई, पर क्या करा, ये तो चलना ही पड़ेगा। भाई को व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, और आपको एसी वाले कमरे में बैठ के लाइक और सब्सक्राइब करने में जस्ट 1 सेकंड लगेगा, तो दबा दीजिए इस बटन को
ताकि आपके भाई को हौसला मिलता रहे और हम ऐसी वीडियोस लेके आपके सामने आते रहें। तो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि ये भी जो रास्ता है ये अभी 2-3 महीने पहले ही बना है, इससे पहले तो यहाँ पत्थरों के ऊपर से ही जाना पड़ता था। तो भाई ये मिड पॉइंट आ चुका है, जब यहाँ पे मेला लगता है तो यहाँ पे आपको खाने पीने की दुकानें इजीली मिल जाएंगी, बट अभी तो एक वही शॉप थी जहाँ से हमने पानी लिया था। 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ये यहाँ पे मंदिर की सीढ़ियाँ आई हैं, और भाई आपको तो पता ही होगा ट्रैक करना आसान है बट सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा और टफ काम है। तो फाइनली माता के मंदिर में पहुँचने से पहले जय माता दी। यहाँ 2 मिनट के लिए रुके थे और पानी पिया, हालत ख़राब हो चुकी है। ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं है बट यहाँ पे जो चढ़ाई का स्लोप है वो इतना ज़्यादा है आपको थका देगा। तो भाई हम मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ मंदिर परिसर से। तो अभी तो मंदिर के कपाट बंद हैं तो पुजारी जी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और भाई जो मंदिर है उसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम भी आपको जो दर्शन करवाएंगे वो बाहर से ही करवा रहे हैं। तो भाई इस मंदिर की जो भी स्टोरी है आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा अच्छे से बताया गया है कि ये मंदिर यहाँ पे कैसे स्थापित हुआ और इस मंदिर की क्या मान्यता है। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं मंदिर परिसर में ही। तो जो भाई रास्ते की थकान थी वो एकदम उतर चुकी है, बाकी आते हुए हमने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि काफ़ी चढ़ाई थी। अभी मैं रास्ता आपको जाते हुए दिखाऊंगा तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ थोड़ा टफ तो है भाई। तो भाई यहाँ से व्यू एकदम ज़बरदस्त है और जो हमारी थकान थी वो सारी उतर चुकी है। और ये नीचे आदि बद्री का मंदिर जहाँ से हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, और ये जो आप दो गाड़ियाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी हमारी बाइक खड़ी है, तो अभी हम वापस जाएंगे। और यहाँ से जो मैं कुंड की बात कर रहा था जहाँ पे सरस्वती नदी का पानी एकत्रित होता है गोमुख से निकलकर, तो ये आप वो कुंड देख रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा व्यू है और ये प्लेन्स का व्यू इधर, और ये मंदिर। जय माता दी। भाई काफ़ी स्टीप उतरा ही है, ओ आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जाते टाइम हमारे साथ क्या बना है। भाई खतरनाक से भी खतरनाक, रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं। ओए, और ये हमारे साथ ही क्या, मैं भी गिरते गिरते बचे बस। भाई भाई हाथ मत लगा प्लीज, व्लॉग के चक्कर में धन धन सतगुरु हो गया था भाई। भाई यहाँ पे कोई फेंसिंग वगैरह भी नहीं है, अगर आप यहाँ से गिरते हो तो सीधा नीचे ही जाओगे। तो भाई चढ़ाई और उतराई में थोड़ा ध्यान रखना। भाई काफी खतरनाक रास्ता है, और ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से हम नीचे से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अभी हमें यहाँ से जाना है और नीचे स्टेयर्स हैं तो इधर जाना है हमें, और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ऊपर से घूम के हम वहाँ पर आएंगे। तो ये जस्ट बाइक खाई और ये इतना सा रास्ता और ऊपर पहाड़। गाइज आप एक बार ये चढ़ाई देखिए यार, ऊपर जाना है बिल्कुल पैर रखने की जगह ही नहीं है। और भाई चढ़ाई नहीं उतराई में भी सेम है, काफ़ी ध्यान से उतरना पड़ेगा आपको। गाइस काफ़ी डेंजरस रास्ता है इसलिए मैं कैमरे को डालता हूँ जेब में, और एक बार नीचे उतरते हैं फिर नीचे मिलेंगे।
तो वही कुछ इस तरह का रास्ता था। और अब यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ आ चुकी हैं, तो जो डेंजर रास्ता था ऑलमोस्ट ख़त्म है, अब हम आराम से जा सकते हैं। अरे वो जो मतलब माता रानी का शेर है एक, तो वैसा उसी के रंग का है, वो क्या बोलना है, बाग बोले, बाग है वो है यहाँ, पूरे पूरे रंग का मतलब यहाँ रहते हैं जंगल में पूरे। ओके भाई, फिर तो रिस्की एरिया आना है, और किस टाइम तक आज का मतलब अगर किसी ने आना हो रहा, मतलब दिन में ठीक रहे यहाँ, रात में चलने का तो एरिया नहीं है यहाँ, बसासत नहीं है, आसपास बंदे नहीं रहते, आसपास 3-4 किलोमीटर दूर रहा। अच्छा, क्यों मान नीचे देखा था मोटरसाइकिल पे देखे 2-3 बंदे पूरा जड़ते पैड़ी स्टार्ट हुआ। चलो भाई आओ रे, दिन भी ढलने वाला है भाई। और भाई यहाँ पे आज एक ही दुकान मिली है, ये इन अंकल की है, यहाँ पे आपको पानी चिप्स वगैरह मिल जाएगा, बट खाने की चीज़ें मत लेना, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं जो आपसे छीन लेंगे। फाइनली हम ट्रैक करके वापस आ चुके हैं, अभी पी रहे हैं पानी, हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, सर भी दुख रहा है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय माता दी, चीयर्स।